झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जुलाई को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के 5 पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच यानी कि पीई दर्ज की जाने की अनुमति देने की स्वीकृति मिल चुकी है। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 पूर्व मंत्रियों पर पीई दर्ज को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था। अब 5 पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी। दर कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि पंकज कुमार यादव बनावट झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी गई थी। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर स्वीकृति दी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।